अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्त? सब ठीक है, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन पेज के अंदर आप कैसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए वो बता देंगे। और साथ में ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, आप कोई भी चीज़ लिख रहे होंगे अगर आप भूल जाते हैं सेफ इन्हें लाइट चली कुछ भी होता है कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा, आप कुछ सेफ नहीं कर पाएंगे। इसमें एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, खुद म खुद आपका कंप्यूटर जो होगा उसमें टाइम दे देंगे वो आपको सेफ कर देगा। सबसे अगर कीबोर्ड के लिए जाएं तो यहाँ फाइल है, फाइल के बाद नेक्स्ट कीबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ मुख्तलिफ कीबोर्ड है सारे, आपने यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कीबोर्ड के फॉन्ट आपने पढ़ लेने हैं। अगर ये आपके मुताबिक है ए फार अली फार है तो आप मतलब ये आपको सिलेक्ट है आपको उसको ओके करेंगे तो आपका कीबोर्ड बन जाए। मिसाल को अगर आप अरेबिक लगा रहे थे ये कीबोर्ड लगा दिया आपके सामने तो ये ए फार शीन देगा, और ये अगर आप इस तरह की आपको टाइपिंग चाह रही है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो कीबोर्ड चलता है ये चलता है फ्यूनिक वाला, ए फार अलिफ होता है और इसको ओके कर देंगे। आगे चले जाते हैं, न्यू फाइल पे जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं, साथ में लिखती है हमने इसको, यहाँ पर आपने साइड के बटन ये जो लिखा है लाइन है इसको क्लिक करना है आपने, ये आपके सामने एक फॉर्म आ गया है। यहाँ ये लिखो ऑटो सेव एवरी कितने मिनट बाद, आपने यहाँ कर देना 1 मिनट के बाद सेव करके ऐसे ओके कर देंगे तो हर 1 मिनट के बाद फाइल खुद ही सेव हो जाएगी। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं, खुद ही सेव कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, तो अगर समझ आई तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।